के अंदर लिख दूंगा फॉर एग्जाम्पल मुझे इसके अंदर लूप्स लगाने हैं कोई भी वैल्यू वेरिएबल की इनिशियलाइज करवानी है या उसको प्रिंट करवानी है सारा का सारा जो भी मुझे कोडिंग का काम करना है वो तो सारा का सारा काम मैं इसके अंदर कर सकता हूँ और जैसे ही मेरे को अब इसको बंद करना है दोबारा से जैसे मैंने लास्ट टाइम किया था मॉड्यूलर्स का साइन और ग्रेटर देन का साइन लगाऊंगा इसको बंद करने के लिए एग्जाम्पल आपकी स्क्रीन पर अवेलेबल है जिससे मैंने किया है ए इक्वल टू टेन मतलब एक वेरिएबल को मैंने टेन इनिशियलाइज करवाई है और जब मैंने इसको प्रिंट करवाना है तो उसके लिए मेरे पास प्रिंट एल एन फंक्शन होता है एल एन इज बेसिकली फॉर नेक्स्ट लाइन सीधा प्रिंट से भी मैं इसको प्रिंट करवा सकता हूँ सिमिलरली इसके अंदर अगर मुझे कोई भी लूप्स का यूज करना है इफ स्टेटमेंट्स का यूज करना है सारा का सारा काम मैं एक स्क्रिप्टलेट टैग के अंदर ही यूज करता हूँ उसके बाद आता है मेरे पास एक्सप्रेशन टैग एक्सप्रेशन टैग का बेसिकली यूज़ करता हूँ जो कि प्री डिफाइंड मेरे पास जावा एक्सप्रेशन बनी हुई हैं अगर मुझे उनका यूज़ करना है तो इसके लिए भी स्टार्टिंग टैग है स्टार्टिंग टैग है देन का साइन फिर मेरा मॉड्यूल्स और फिर आता है मेरे पास इक्वल टू ये लगाने के बाद मैं जो भी प्री डिफाइंड एक्सप्रेशन एक है उसको कॉल करूंगा और सिमिलरली क्लोजिंग टैग लगाकर इसको बंद करूंगा इसके अंदर जो मेरे पास सबसे बड़ी एडवांटेज ये है कि मुझे सेमी नहीं लगाना पड़ता एक एग्ज़ैम्पल आपकी स्क्रीन पर अवेलेबल है जो कि मुझे बता रहा है कि अगर मुझे करंट डेट और टाइम प्रिंट करवानी है तो उसके लिए मैं एक्सप्रेशन टैग का किस तरह से यूज़ करता हूँ लेस देन का साइन मॉड्यूलस और फिर इक्वल टू का साइन उसके बाद न्यू ऑपरेटर आ गया न्यू इज बेसिकली फॉर इनिशियलाइजिंग द ऑब्जेक्ट देन जावा डॉट यू टी आई एल डॉट डेट जावा डॉट यू टी आई एल इज माई एक्शन और डेट जो है ये मेरे पास फंक्शन होता है जो कि करंट सिस्टम की डेट को प्रिंट करवाएगा विद टाइम देन कम्स my directive tag directive basically बहुत ही बड़ा role play करते हैं एक jsp के page को execute करने में इसके अंदर तीन main types होते हैं एक होता है page एक होता है include एक होता है tag library basically directives जो हैं इनकी output मुझे वैसे नज़र नहीं आती लेकिन इनके बिना मेरा एक page execute नहीं हो सकता इसके लिए है मेरे पास लेस देन का साइन मॉड्यूल ऑपरेटर और एम परसेंट का साइन और फिर मेरे पास है मेरा क्लोजिंग टैग एज इट इज जो इसके तीन मेन डायरेक्टिव्स मेरे पास हैं एक है पेज डायरेक्टिव ये मैं यूज करता हूँ जब भी मुझे किसी भी पेज को प्रोसेस करना है इंक्लूड डायरेक्टिव इसका मैं तब यूज करता हूँ जब भी मुझे कोई भी फाइल्स को इंक्लूड करना है एग्जाम्पल आपके स्क्रीन पर आ रहा है मॉड्यूल्स का साइन एम परसेंट इंक्लूड फाइल इक्वल टू डॉट जे एस पी मुझे कोई भी फाइल खोलनी है तो उसके लिए मैं इसका यूज करता हूँ लास्ट आता है मेरे पास जे एस पी के एक्शंस बेसिकली एट एक्शंस अवेलेबल है मेरे पास ये स्टैंडर्ड एक्शंस हैं अगर मुझे कोई भी फाइल इंक्लूड करनी है तो उसके लिए जे एस पी इंक्ल्यूड सिमिलरली जे एस पी पैरम है फॉरवर्ड है प्लग इन है फॉलबैक है गेट प्रॉपर्टी है सेट प्रॉपर्टी है और अगर बीन्स का यूज़ करना है तो यूज बीन होता है लास्ट एक एग्जाम्पल है मेरे पास जे का इसके अंदर एच टी एम एल हैड है बॉडी है सेंटर आप देख सकते हैं और मेरे पास आता है करंट डेट एंड टाइम इज़ इसके अंदर मैं एक्सप्रेशन टैग का यूज़ किया हुआ है और ये मेरे को मेरे आज की जो मेरी डेट है वो एज इट इज़ विद टाइम के साथ प्रिंट करा देगा इसको मैं डॉट जे के साथ सेव करूंगा Thanks.